हेलो स्टूडेंट्स, बेटा हम लोग मिले हैं आज पुराने साल के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, दैट मीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में एक चैप्टर स्टार्ट करने की तरफ देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर। तो जितने भी क्वेश्चन नीट में अब तक आए हैं, हम उन पर बातचीत करना शुरू करते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर वन, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या लिखा है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सब शेल। सबसे पहली बात आती है, सब शेल जो है वो एसपीडीएफ होती है, लेकिन यहां मेंशन किया गया है कि कौन सी सब शेल। सब शेल है एल इक्वल टू थ्री। अगर मुझे दिखाई दे रहा है सब शेल एल इज इक्वल टू थ्री, इसका मतलब मैं एफ के बारे में बात कर रहा हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शेल कौन सा है, क्योंकि जब सबशेल के बारे में सवाल पूछा है तो मैं सिर्फ उतना ही फोकस करूंगा, n इक्वल टू फोर ध्यान नहीं देना है, है ना। तो f नाम के सबशेल में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं, तो बड़े आराम से इसका आंसर हम a बता सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। अब जो यहां पे लिखा है क्वेश्चन नंबर सेट, करेक्ट सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर किसके लिए, जिरकोनियम 37। तो सबसे पहले ये जो एटॉमिक नंबर, सॉरी जेड बोला, जेड 37 के लिए बात करते हैं। जेड 37 होता है कायदे से रुबिडियम का 37। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, और आखिरी में आता है 5s1। मतलब अपना टारगेट सिर्फ वो आखिरी वाला होगा 5s1, क्योंकि यहां साफ साफ लिखा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब से 5s1। सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें दिखाई दे रहा है 5, ये जो लिखा है 5। उसके बाद आता है एजीमिथल क्वांटम नंबर, जो कि s को देखकर बताया जाता है, दैट इज 0। अब जब s की बात कर रहे हो, मतलब आपके पास सिर्फ एक ही ऑर्बिटल है। अगर एक ही ऑर्बिटल है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी 0 होगा, क्योंकि वो इसी से चलता है, एजीमिथल नंबर से। स्पिन कायदे से 1/2 होगी। अब किसे पता कि एक इलेक्ट्रॉन है सीधा लिखा है या उल्टा घूम रहा है, हमें नहीं पता, देखते हैं। यहां पर दिए हुए ऑप्शन में 5111, नो, ये आंसर नहीं हो सकता। 600, ये भी नहीं हो सकता। 500, हाँ है। यहां ऑप्शन में लिखा है +1/2, अगर ये -1/2 होता तो भी क्या फर्क पड़ता था। यहां लिखा है 510, नो, आंसर इज सी। मैं फिर से दोहराता हूं कि ये स्पिन 1/2 है, प्लस हाफ या माइनस हाफ रोटेशन पर होता है, तो अभी फिलहाल ऑप्शन में एक ही था प्लस हाफ, इसलिए आंसर सी दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बेटा, एक टॉपिक वर्ड पर है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का सबसे पहले याद करना होगा फॉर्मूला। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट L+1 और h/2π, इस तरह से कुछ। अब ये L क्या है, एजीमिथल क्वांटम नंबर। एजीमिथल क्वांटम नंबर L की वैल्यू हमें उसके क्वेश्चन को पढ़कर तय करनी होती है, दैट इज p इलेक्ट्रॉन। भाई p के लिए L की वैल्यू होती है 1, L की वैल्यू होती है 1। अब जब मैंने यहां पर 1 पुटअप किया इस जगह पर, तो मेरा आंसर आ रहा है √2h/2π, ये मेरा आंसर है। लेकिन अगर मैं देखता हूं कि यहां पर कहीं भी √2h/2π नहीं लिखा है, थोड़ा सा इंप्रोवाइज करते हैं। अगर लिखा है √2h/2π, तो इस नीचे लिखे हुए 2 को 2 बार √2 सोचा जा सकता है, दैट मीन्स h/√2π भी तो सेम चीज है ना, उस रूट टू को नीचे वाले टू से एक काट लिया, तो अल्टीमेटली मेरे पास आंसर आया ए ऑप्शन, क्योंकि इसे भी उसी तरह से देखा जाना चाहिए। ठीक है, चलिए देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देख रहे हैं हमारे सामने क्या लिखा है बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे है दैट कैन बी एसोसिएटेड विद फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। तो जो क्वांटम नंबर हमें अलाउ किए हैं उसमें सबसे पहले लिखा है n इक्वल टू 3, मतलब थर्ड शेल।
तो थर्ड शेल जब बोला गया तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि थर्ड शेल में तो 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नहीं, आगे कहा गया है L इक्वल टू 1, मतलब P सब शेल, तो दिमाग में आएगा कि P सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन आगे M भी तो लिखा है, बात समझिएगा, अगर L के वैल्यू 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -1, 0 और +1 होगा, मतलब इस तरह से कुछ, लेकिन जब आपको -1 बताया गया है दैट मीन्स मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ पहले वाले को, अगर अगर सिर्फ पहले वाले को बता रहे हैं तो एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर हमें देना होगा 2 पर, अगर ये एम नहीं दिया होता, सिर्फ पी सबशेल तक बात कही होती तो शायद हमारा जवाब होता 6 इलेक्ट्रॉन, बट अभी नहीं कर सकते क्योंकि ऑर्बिटल शो हो गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है क्योंकि एक ठीक ठाक एक्सेप्शन केस होता है गैडोलिनियम, जीटी गैडोलिनियम, गैडोलिनियम एक एक्सेप्शन केस इसलिए माना जाता है क्योंकि 6s2 पहले 6s भरता है, उसके बाद भरना चाहिए 4f, 4f होना चाहिए था 8, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वजह है कि 4f ऑर्बिटल 7 इलेक्ट्रॉन पर हाफ फील्ड हो जाता है, और ऐसे ही केस में वो एक्सेप्शन क्रिएट कर देता है और फिर सही कॉन्फिगरेशन बनती है 6s2 4f7 और नया इलेक्ट्रॉन 5d में पहुंचता है, तो इसलिए ये कॉन्फिगरेशन सिंपल है, याद रखना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि एक्सेप्शन केस की तरफ मिला है तो हमें ये ऑप्शन मिल रहा है यहां पर बी ऑप्शन में, तो इसे सीधे टिक कर सकते थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, पढ़ने में वक्त ज्यादा लगेगा, तो आराम आराम से पढ़ना है, कोई गलती नहीं हो हमसे। सबसे पहले हमारे सामने एनर्जी का इक्वेशन लिखा हुआ है, जूल पर एटम उसका यूनिट है, इसमें हमें ढूंढना है कौन सा सेंटेंस गलत है, क्योंकि लिखा है साफ साफ नॉट करेक्ट, कौन सा सेंटेंस सही नहीं है, पढ़ते हैं। इक्वेशन कैन बी यूज टू कैलकुलेट चेंज इन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू चेंज ऑर्बिट, जब कोई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज करेगा फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे, फोर्थ से थर्ड पे, तो उसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्यों नहीं, क्योंकि यहां लिखा है कैन बी, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ये सेंटेंस सही है, अपना आंसर नहीं, क्योंकि हमें गलत ढूंढना है। वापस चलते हैं आगे, अगर एन इक्वल टू 1 है, इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी देन डज फॉर एन इक्वल टू 6, देखो फर्स्ट शेल की जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 और सिक्स शेल की जो एनर्जी होगी वो माइनस का 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास कुछ होती है, तो सेंटेंस कह रहा है कि पहले वाले की एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है, सही बोल रहा है, विच मींस इलेक्ट्रॉन इज मोर लूजली बाउंडेड इन स्मॉलेस्ट, ये गलत बोल रहा है, अगर एनर्जी कम है तो न्यूक्लियस के काफी करीब है, न्यूक्लियस ने बहुत ताकत से पकड़ रखा है, तो फिर लूजली बाउंड का क्या मतलब हुआ, गलत बोला, अगर यहां इसने ये गलत बोला तो अपना आंसर तो बी बनता है, आंसर हम बी पे टिक करेंगे। सी ऑप्शन भी पढ़ते हैं, देखो क्या कहता है, नेगेटिव साइन, ये साइन है SIGN है ना, नेगेटिव साइन इक्वेशन में सिंपली क्या बताता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंड टू न्यूक्लियस लोअर देन इट वुड बी, हाँ जो एनर्जी है 13.6 देखकर हर कोई सोचेगा वैल्यू बड़ा है, लेकिन माइनस साइन इंडिकेट करता है एनर्जी छोटा है, हाँ तो छोटे को तो शो करता है, जितनी डिस्टेंस उसकी इंफिनिटी से है, इंफाइनाइट वाले की एनर्जी सबसे ज्यादा और फर्स्ट शेल वाले की सबसे कम। लास्ट पढ़ते हैं क्योंकि ये सेंटेंस तो सही लग रहा है, लास्ट पढ़ते हैं, लार्जर द वैल्यू ऑफ एन, प्रिंसिपल नंबर बढ़ेगा तो रेडियस भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ेगा रेडियस तो बढ़ती है, तो आंसर देना है बेटा बी ऑप्शन, लेकिन इसमें रीडिंग टाइम काफी लगेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस में टाइम बचाना होता है, आखिरी में जाके इन्हें सॉल्व करना है, बीच में नहीं करना। चलिए ये क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड है, इसमें क्या बताया है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू, अगर नहीं भी बताया तो हमें याद रहती है, स्पीड ऑफ लाइट 3×10⁻⁷ नैनोमीटर में, हम लोगों को याद होता है स्पीड ऑफ लाइट
3×10^8 मीटर पर सेकंड में, तो सही तो यही है लेकिन उसकी यूनिट इसने बदलकर नैनोमीटर कर दी है ताकि न्यूमेरिकल के लिए वह क्लाइंट कम खर्च हो। आगे, विच वैल्यू क्लोजेस्ट टू वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अब जवाब भी नैनोमीटर में देना है तो इसको कन्वर्ट हम करेंगे ही नहीं, रहने देंगे जैसा है। निकालना क्या है, वेवलेंथ मतलब लेमडा ढूंढना है। इक्वेशन में दी गई है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, ये रही। तो अगर फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6×10^15 तो हमें ढूंढना है वेवलेंथ। रिलेशन बड़ा सिंपल है, रिलेशन कहता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय लेमडा, मतलब वेवलेंथ इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय न्यू। तो इस चीज का इस्तेमाल करते हैं, चलो लिखते हैं लेमडा इज इक्वल टू सी की जगह पे लिखा 3×10^17 जो क्वेश्चन में दे रखा है, सीधे सीधे नैनोमीटर में, नैनोमीटर में सीधे कर लेते हैं। यहां लिखा हमने 6×10^15, अब 15 और 17 तो सीधा सीधा बचा 10^2 और ये काटने पर बचा है 0.5, 1/2, राइट। 3 से काट दिया इसे तो 2, 1/2 मतलब 0.5, इसे 10^2 मतलब 100, 100×0.5 दैट इज योर आंसर 50। अब 50 नैनोमीटर में मेरा जवाब आया, ध्यान रहिए आंसर मीटर में नहीं नैनोमीटर में है। तो क्या ऐसा कोई आंसर सामने दिख रहा है, यस आंसर है ए, चलते हैं इससे आगे, ठीक है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है क्या कह रहा है, लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, एनर्जी एब्जॉर्ब की गई लेकिन डाटा पढ़ो अर्ग मोल, हम लिखते हैं नॉर्मली जूल मोल एटम इस तरह से, इसने क्या लिखा है अर्ग और मोल। साथ में कह रहा है कि मैं जो डाटा इस्तेमाल कर रहा हूं, देखो स्पीड ऑफ लाइट को इसने किसमें लिखा है, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में लिखा है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू इसने लिखी है अर्ग में। तो ऐसे हालात में आपको सिंपल भी ये फार्मूला पता रहता है, हमें ढूंढना क्या है पहले समझ लेते हैं, हमें चाहिए क्या, हम ढूंढ क्या रहे हैं इस सब में क्वेश्चन में, हमें चाहिए एनर्जी। अब एनर्जी का जो फार्मूला होता है सीधे सीधे एचसी बाय लैम्डा, दी गई कंडीशन में अर्ग सेंटीमीटर और मोल के हिसाब से अगर बात की जाए तो आंसर इसका सीधा सीधा होता है लगभग 1.2 मानते हैं हम लोग, 1.2×10^8 डिवाइड बाय लेमडा। इस वैल्यू को अर्ग और सेंटीमीटर में सॉल्व करूं तो कुछ ऐसा आता है। क्या ऐसा कोई आसपास का आंसर है, 1.2 इसे माना जा सकता है लेकिन 10^ मैच नहीं हो रही तो छोड़ दो उसको, ये नहीं हो रहा, ये 10^16 यहां पर 10^8, तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। इसमें सिर्फ वैल्यू ध्यान रखना है, बट मैंने बार बार मेंशन किया सेंटीमीटर अर्ग और मोल, तीन चीज का ध्यान रखना। चलिए, ये सवाल काफी आसान हो सकता है एक नीट एस्पायरेंट्स के लिए, क्यों, क्योंकि बेरियम, ये जो लिखा है बेरिलियम बीई एटॉमिक नंबर 4 और चार्ज लिखा है +2। अब बेरिलियम के पास इलेक्ट्रॉन रह गए सिर्फ 2 जबकि एटॉमिक नंबर था 4, ये पूछ रहा है कि इसमें कौन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर है, डायरेक्ट नजर आ रहा है H+ के पास 0 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन क्योंकि प्लस चार्ज है, मैग्नीशियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 लेकिन +1 चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन है 2। कुल मिलाकर आंसर सीधे सीधे बी है, बहुत आसानी से पिक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं इसमें क्या पूछा है ना। सबसे पहले एक चीज देख लेते हैं कि हमें यहां पर निकालना क्या है, एनर्जी किसमें निकालना है, जूल में। अब हमें यहां पर मेंशन क्या किया गया है, वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब लेमडा, और लेमडा दिया है इसने 45 नैनोमीटर में, नैनोमीटर है ना, नैनोमीटर को कन्वर्ट करूंगा तो लिखूंगा 45×10^-9 मीटर। निकालना क्या है, एनर्जी, तो एनर्जी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, लेकिन याद रहे कि यहां पर हमें आंसर जूल में देना है और यहां जो सारे आंसर रिप्रेजेंट किए हैं वो जूल के हैं। तो सबसे पहले आए एच के पास, तो एच की वैल्यू 6.63×10^-34, स्पीड ऑफ लाइट 3×10^8 डिवाइड बाय जो वेवलेंथ दे रखी है 45×10^-9।
अगर मैं इस पूरी वैल्यू को सॉल्व करने बैठता हूं तो एक बात ध्यान से रखना, सबसे पहले पावर समझ लेना है। ये वैल्यू सॉल्व करने पर लगभग लगभग 4.4 के आसपास, लेकिन मेनली जरूरी चीज क्या है, पावर -9 ऊपर जाकर बना प्लस 8 2 16 और 17, तो लगभग ये -18 के आसपास का आंसर रिप्रेजेंट करेगी। तो प्लीज ये ढूंढिएगा कि पहले पावर सही हो, डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाता है, बट पावर गलत होगी तो नहीं होगा। तो 10 की पावर -18 यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, तो आंसर सीधे सीधे, क्योंकि इतना एक्यूरेट डाटा आ जाए हर बार इतना भी आसान नहीं होता मैनुअली, तो आप पावर पर पहले फोकस करो। ठीक है, चलिए ये सवाल क्या कहता है जरा पढ़े, हमें क्या चाहिए, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाई फॉलोइंग क्वांटम नंबर। क्या है क्वांटम नंबर, सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है n = 3, मतलब थर्ड शेल। ठीक है, आगे लिखा है l = 1, l = 1 का मतलब, l = 1 का मतलब है p सब शेल, लेकिन हम p सब शेल से मतलब नहीं रखते क्योंकि हमें क्वांटम नंबर मिला है मैग्नेटिक के नाम पर। जब l की वैल्यू 1 होती है तो -1 0 +1 आता है, 0 अपने आप में एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल है 0 नाम का, तो आप ये मत सोचो कि वो p सब शेल है, हम देखेंगे इसमें ऑर्बिटल तो एक ही है ना, और एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन, तो आंसर सीधे सीधे 2 पे टिक करना, ज्यादा नहीं सोचना इस पर, क्योंकि बार बार मेंशन कर रहा हूं कि जब आपके पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू 0 है तो वो एक ऑर्बिटल को शो करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ये जो सामने हमारे किसके बारे में है, ये कह रहा है टाइटेनियम एटम के बारे में, क्या चाहिए इसे करेक्ट ऑर्डर, लेकिन कौन सा ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग एनर्जी। यहां पर सारे ऑर्बिटल लिस्टेड हैं, जरा देखें कौन कौन से ऑर्बिटल हैं, 4s 3s 3p 3d, क्यों ना हम इन सबको 3s 4s 3p 3d को n+l रूल से अप्लाई करें, n+l शेल नंबर 3 4 3 3, और एजीमुथल नंबर s के लिए 0, s के लिए 0, p के लिए 1 और d के लिए 2, जब इन्हें आपने जोड़ा ऐड किया तो रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट है 3, ये है 4, इधर भी 4 और यहां पर 5, तो इसका साफ मतलब सबसे छोटा कौन, 3, मतलब 3s, तो सबसे छोटा है 3s, उसके बाद अब ये दोनों नंबर 4 आ रहे हैं, सेम नंबर, तो जब नंबर सेम हो तो प्रिंसिपल नंबर को प्रेफरेंस देनी चाहिए, तो 3p आ जाएगा, 3p के बाद आ जाएगा 4s और आखिरी में आ जाएगा 3d। ये सिंपल सीक्वेंस आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी तो देखते हो, तो सीधे सीधे पिक कर सकते हो कि कहां लिखा है 3s 3p 4s 3d, मुझे दिखाई दिया सी ऑप्शन में, डायरेक्ट आंसर सी। ठीक है, चलिए, हाँ ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो सकता है, नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe+2 नॉट इक्वल, तो पहले यह पता करूं कि Fe+2 में इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल के पास हैं कितने। अगर मैं बात करता हूं Fe एटॉमिक नंबर 26, ध्यान रहे इस पर +2 का चार्ज है, तो इसे लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, असली ट्विस्ट यहां है, ध्यान रहे 3d के इलेक्ट्रॉन 6 इसके पास रहेंगे, और जो आखिरी के 2 इलेक्ट्रॉन है 4s वाले, इस +2 चार्ज की वजह से लॉस हो चुके हैं। तो ध्यान रहे क्वेश्चन के मुताबिक आपके आयरन +2 के पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं डी सब शेल के अंदर। अब हमें इसके चारों ऑप्शन चेक करने हैं कि कौन क्या कह रहा है, किसके पास वो 6 इलेक्ट्रॉन नहीं है, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आयरन मेटल में, अरे भाई आयरन मेटल का भी कॉन्फिगरेशन सेम टू सेम होता है, उसमें भी डी इलेक्ट्रॉन 3d6 के नाम पर आते हैं, तो ये तो मैच कर रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन इसके 6 इलेक्ट्रॉन के मैच कर रहे हैं आपस में, आंसर ए नहीं बन सकता, हटाओ इसे। पी इलेक्ट्रॉन नियॉन में, नियॉन का कॉन्फिगरेशन कहता है 1s2 2s2 2p6, देखो जरा पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 6 है, उसके भी डी इलेक्ट्रॉन 6, इसके भी डी इलेक्ट्रॉन 6, हमें उस नंबर से मतलब है 6 से, तो पी इलेक्ट्रॉन
यहां पर 6 पाए गए, यहां पर जैसे डी इलेक्ट्रॉन 6 पाए गए, सिमिलारिटी दिख रही है, इसका मतलब बी आंसर नहीं हो सकता। चलो सुनते हैं, एस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर के हिसाब से कॉन्फिगरेशन बनता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। एस ऑर्बिटल के टोटल इलेक्ट्रॉन, भाई देखो 1s2 के 2, 2s2 के 2 और 3s2 के 2, 2 2 4 2 6, 2 प्लस 2 प्लस 2, कुल मिलाकर 6 इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल के पास हैं। एस ऑर्बिटल के हैं, पी के हैं, हमें उससे मतलब कहां है, हमें तो उस नंबर 6 से मतलब है, 6 6 6 6 मैच कर रहा है, तो वो भी 6 था, इसके पास भी 6 है, यहां पी 6 है, यहां एस 6 है, मैच कर रहे हैं आपस में, आंसर सी भी नहीं है। आखिरी केस अब बचा है सी एल वाला। देखो सी एल क्लोरीन कॉन्फिगरेशन कहता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अगर क्वेश्चन में लिखा है p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, तो भाई यहां पर 3p5 में 5 इलेक्ट्रॉन, 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पर माइनस चार्ज तो कोई लिखा नहीं है, तो जो चार्ज नहीं दिख रहा है, तो 6 और 5 11 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल के पास। तो अगर p के पास 11 इलेक्ट्रॉन है, तो डी ऑप्शन अकेला है जिस पर इलेक्ट्रॉन नंबर उन सबसे मैच नहीं कर रहा, इसलिए आंसर डी देना बेटा, आंसर देना डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ने पर थोड़ा सोचते हैं कि किसके बारे में बात कर रहा है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेक्निकली ये सवाल होना चाहिए था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में समझा दूं होता क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है बेटा अंडर रूट एल, एल प्लस वन एच बाय टू पाई, और इस एच बाय टू पाई को ही हम लोग इस तरह भी लिखते हैं अंडर रूट एल, एल प्लस वन और एच लिखकर काट देते हैं हैश। यहां ध्यान से देखो, इसने एच लिखा और एच को लिखकर थोड़ा सा ऊपर से काट दिया है, तो हैश है ये, है ना। अब ये कैसे देखना है, हमें चाहिए इस एजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू। क्वेश्चन किसके बारे में है, डी के बारे में है, तो भाई डी ऑर्बिटल के लिए, डी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू होती है 2, सीधे सीधे 2 रखा, अपना आंसर आया √6 हैश। क्या ये आंसर अवेलेबल है, हाँ मुझे तो दिखाई दे रहा है आंसर इज सी, अवेलेबल तो है, तो सीधे सीधे सी पर टिक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ये सवाल किस बारे में पढ़े जरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर, किसके लिए बेटा, इस चीज के लिए, मतलब थर्ड शेल, थर्ड शेल, और एल इक्वल टू वन का मतलब पी सब शेल, तो थर्ड शेल में तो इलेक्ट्रॉन 18 आ सकते हैं, लेकिन सर पी सब शेल में तो 6 से ज्यादा नहीं आ सकते, तो पी नाम की सब शेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होने चाहिए, बड़ा सिंपल वे हो सकता है आपके लिए, राइट। चलिए इस सवाल को पढ़ते टाइम जरा आराम से पढ़िएगा, जल्दीबाजी नुकसान कर सकती है। कैसे, क्वेश्चन में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल्स विच विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, एक्सिस लाइन पर कौन से ऑर्बिटल होते हैं, तो जरा आपको याद करना पड़ेगा कि अगर ये एक्सिस एक्स है, ये वाई है, और अगर आप डायग्राम एक्सिस के बीच में बनाते हो, तो इसे कहा जाता था बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्सिस। तो याद करें जरा, डी ऑर्बिटल एक्स वाई, डी ऑर्बिटल वाई जेड, डी ऑर्बिटल एक्स जेड, तीनों के तीनों बिटवीन द एक्सिस पाए जाते हैं ना भाई, तो बिटवीन द एक्सिस तो उसे चाहिए ही नहीं, उसे किसकी तलाश है, उसे तलाश है इस चीज की, जब ये एक्सिस एक्स और ये वाई होती थी और ऑर्बिटल डायग्राम एक्सिस लाइन के ऊपर बनता था, याद करो एक्सिस लाइन के ऊपर बनने वाले ऑर्बिटल में स्क्वायरिंग लिखी जाती थी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाला एक ये, और एक कौन सा, और एक अगर ये एक्स जेड मानी जाए, ऐसा एक डंबल बनता था यहां, और इसके सेंटर पर, इसके सेंटर पर एक रिंग बनाया करते थे। जरा सोचो ये डायग्राम डी जेड स्क्वायर का होता था,
तो सिर्फ दो ही ऑर्बिटल हैं जो एक्सिस के लाइन के ऊपर पाए जाते हैं और वो मुझे दिखाई दे रहे हैं यहां पर, मतलब मैं अपना आंसर सी देना पसंद करूंगा। राइट, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग सेम ऑर्बिटल, दो इलेक्ट्रॉन हैं, दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं। अब मुझे नहीं पता कौन सा ऑर्बिटल, एसपीडीएफ में से कोई सा भी, लेकिन एक ही ऑर्बिटल के अंदर हैं, तो क्या एजीमिथल नंबर उन्हें समझा पाएगा? नहीं, ऑर्बिटल समझाने का काम वो क्यों करेगा? सिर्फ स्पिन ही है जो उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकती है। एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन सीधा तो स्पिन होगी प्लस हाफ, उल्टा होगा तो माइनस हाफ। केवल यही एक चीज है जो एक ऑर्बिटल के अंदर के इलेक्ट्रॉन को अलग कर सकती है, बाकी कोई इसे अलग नहीं कर पाएगा, ना प्रिंसिपल नंबर कर पाएगा, ना मैग्नेटिक कर पाएगा, इसलिए आंसर सिर्फ बी होना बनता है। ठीक है, चल क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, पढ़ने में वक्त ज्यादा लगेगा, हमेशा ऐसे सवाल थोड़ा आखिरी में करने चाहिए। चलो देखते हैं क्या है। हमें ढूंढना है रॉन्ग सेंटेंस, गलत सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस गलत है। यहां लिखा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फॉर्मूला डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई फोर पाई, हाँ होता है। ये भी एक डिराइव्ड फार्मूला है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर और इक्वल टू एच बाई फोर पाई का, ये भी एक फार्मूला है हाइजनबर्ग का ही, जिसको उसने एनर्जी और टाइम पर डाइवर्ट किया होता है, डिराइव करके दिया जाता है। तो ये आंसर तो सही है, रॉन्ग सेंटेंस नहीं है। हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ग्रेटर स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी होती है, ग्रेटर सिमेट्री होती है, बैलेंस दिखाई देता है, परफेक्टली दिखाई देता है, तो ये भी अपना आंसर नहीं है क्योंकि सेंटेंस सही है, गलत नहीं है। एनर्जी 2s वाले की कम होती है, किससे? 2p वाले से, इन केस ऑफ हाइड्रोजन। देखो 2s का एनर्जी कम होता है नो डाउट 2p से, लेकिन ये कहानी अफबाउ हंस पॉली के लिए तो सही है, मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए, लेकिन जब लिखा हो बेटा हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन एटम मतलब बोहर थ्योरी, और बोहर थ्योरी को सिर्फ शेल समझ में आते हैं, शेल्स वो समझता है फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, इसे समझता है। बोहर थ्योरी हाइड्रोजन एटम वाले कॉन्सेप्ट कभी भी एसपीडीएफ को नहीं समझ पाते, उनके लिए 2s की एनर्जी 2p की एनर्जी बराबर ही होती है, वो तो सेकंड शेल को समझता है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है, अगर हाइड्रोजन एटम नहीं लिखा होता तो सही होता, लेकिन अब गलत हो गया और उसी गलत की तलाश थी, आंसर इस सी बनता है। आखिरी वाला भी पढ़ लेते हैं। डी ब्रॉगली का वेवलेंथ फार्मूला ये होता है क्या? बिल्कुल होता है, तो ये तो सही सेंटेंस हो गया, गलत सिर्फ एक ही है। मैं बार बार मेंशन करूंगा कि हाइड्रोजन वर्ड अगर नहीं लिखा होता, बोहर की कहानी नहीं अप्लाई की होती, तो 2s छोटा होता 2p से, बट यहां लिखा है इसलिए फॉलो करना होगा। ठीक है, चलिए फिर से वही, हमें एक गलत सेंटेंस ढूंढना है जो रॉन्ग सेंटेंस है, पढ़ते हैं चलो एक एक करके। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर s के लिए है तो जीरो आएगा, बिल्कुल जीरो आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि उसका फॉर्मूला है l एल प्लस वन और एच बाई टू पाई, लेकिन अगर एस की बात चल रही है तो भाई एल की वैल्यू तो जीरो है। जब एल की वैल्यू एजीमिथल नंबर जीरो है तो वो तो जीरो ही आएगा, तो सही सेंटेंस है, आंसर नहीं, आंसर हमें गलत ढूंढना है। ऑर्बिटल डेजिग्नेटेड बाय थ्री क्वांटम नंबर वाइल इलेक्ट्रॉन इन एन एटम और डेजिग्नेटेड बाय फोर क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल अगर है, जैसे ऑर्बिटल का नंबर बताना है, तो ऑर्बिटल के नंबर को ढूंढना है, तो आप प्रिंसिपल एजीमिथल और मैग्नेटिक नंबर से ढूंढ सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ढूंढने निकले हो, इलेक्ट्रॉन को ढूंढने निकले हो, तो बकायदा चार क्वांटम नंबर चाहिए भाई, एन एल एम एस पूरे, क्योंकि स्पिन कहां से लाओगे? ऑर्बिटल ढूंढने के लिए स्पिन की क्या जरूरत है, लेकिन इलेक्ट्रॉन ढूंढने के लिए तो है। तो इसलिए ये सेंटेंस तो मुझे सही लग रहा है, बड़े अच्छे से डिजाइन किया गया कि चार क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन और तीन क्वांटम नंबर से ऑर्बिटल, सही दिख रहा है। चलो आगे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाइट्रोजन एटम का जो दिखाई दे रहा है, ये दो इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटिव, ये दो इलेक्ट्रॉन अल्टरनेटिव, यहां पर कर दी गड़बड़।
टेक्निकली ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल अरेंजमेंट कुछ इस तरह होना चाहिए था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है वो उल्टा लिखा हुआ है, इसमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम नहीं आ पाएगी, तो आंसर सी को बनाइए क्योंकि गलत तरह से लिखा है। लेकिन चौथा पढ़ो, देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक नंबर डी जेड स्क्वायर के लिए जीरो होती है। तो हमेशा टीचर समझाते हैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल इस तरह का होता है जिसमें सेंटर पर एक रिंग होती है। इस ऑर्बिटल का डिजाइन तीनों एक्सिस में अवेलेबल होता है, एक्स वाई जेड में, और इनके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम जीरो तय करते हैं डी जेड स्क्वायर पे। तो ये सेंटेंस जो आखिरी में लिखा है ये भी सही माना जाएगा, आंसर आप सी पर ही बनाइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ने पर क्या नजर आ रहा है जरा देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशंस इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। मैं चार ऑप्शन ना भी पढ़ूं तो भी दिमाग में इमीडिएट क्लिक करता है कि विजिबल रीजन की पढ़ाई बामर सीरीज में ही तो होती है। तो क्या है ऑप्शंस, ब्रैकेट, लाइमन, पाशन, बामर सीरीज। भाई सीधे सीधे आंसर कर सकते हैं, बहुत आसान लगेगा हर किसी को। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है जरा पढ़ें। हाइड्रोजन एटम में डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की सेकंड बोहर ऑर्बिट पर क्या होगी, सेकंड बोहर ऑर्बिट पर क्या होगी। देखो सबसे पहली बात कि डी ब्रोगली वेवलेंथ और ऑर्बिट की रिलेशन क्या है, है बिल्कुल है, एन लेमडा इक्वल्स टू टू पाई आर। ये एक डी ब्रोगली रिलेशन है जो वेव नेचर को पार्टिकल नेचर से जोड़ते हुए समझाया गया। सर्कमफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ के बराबर होता है, बट डिपेंड करता है कौन सी शेल का है। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है सेकंड शेल, तो आपने एन की जगह तो लिखा टू और लेमडा, 2 पाई आर सर्कमफेरेंस है तो 2 और पाई, लेकिन ये आर क्या है, आर है रेडियस, रेडियस ऑफ शेल, सेकंड ऑर्बिट की रेडियस है। तो आपको याद दिला दिया जाए कि सेकंड ऑर्बिट हो या कोई भी ऑर्बिट हो, फॉर्मूला है 0.53 एन स्क्वायर बाय जेड, यूनिट आर्मस्ट्रांग में होती है। ये फॉर्मूला हम लोगों को याद भी रहता है, लेकिन उसने मदद करने के लिए बताया भी कि पिकोमीटर में 52.9, हम चाहें तो पिकोमीटर डायरेक्ट डाटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये आंसर आर्मस्ट्रांग में आपको चाहिए तो 0.53 लिखो, पिकोमीटर में चाहिए तो 52.9 या 0.53 भी लिखेंगे चलेगा। तो अगर हमने यहाँ पे लिखना शुरू किया तो लिखा 52.9, मैंने इसका डाटा इस्तेमाल किया क्योंकि आंसर सारे पिकोमीटर हैं, देखो तो पिकोमीटर कन्वर्जन ना करना पड़े इसलिए मैंने सीधे लिखा। अच्छा एन, एन क्या है, नंबर ऑफ शेल जो कि क्वेश्चन के मुताबिक सेकंड है, जेड है एटॉमिक नंबर जो कि हाइड्रोजन बोला है तो 1 लेना है, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 डिवाइड में आया 1। अब देखो क्या क्या हो सकता है आसानी से, सबसे पहले 2 से काटा जा सकता है इस 2 को, तो लेमडा इज इक्वल्स टू 52.4 को मल्टीप्लाई करने जाता हूं 4 समथिंग अबाउट 212 कुछ का आंसर बनता है मेरा, अगर मुझे पूरी तरह 53 से कुछ याद है तो, और पाए साथ में है ये वाला, तो क्या ऐसा कोई आंसर मुझे दिख रहा है, 211 है लेकिन पाए मिसिंग है, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, पाए है लेकिन डाटा गलत है, यहां पर पाए है, यस आंसर इज बी। चले इससे आगे, देखो बेटा अगर हमें इस क्वेश्चन को पढ़ना है तो सबसे पहले तय करना है डिक्रीजिंग एनर्जी। चार ऑर्बिटल लिखे हैं जो सामने हैं अपने, जब भी एनर्जी की बात हो हम क्या करें, पहले प्लान कर लें 4d, फिर 5p, यहां लिखा है 5f और 6p। जब भी एनर्जी की बात हो हमेशा n प्लस l रूल अप्लाई करना चाहिए, तो देखते हैं यहां पर 4, ये 5, ये 5 और 10 6, d ऑर्बिटल है तो 2, यहां पर p है तो 1, f है तो 3 और p है तो 1, इन सबको जोड़ देते हैं आपस में, तो 4 प्लस 2 बनता है 6, 5 प्लस 1 बनता है 6, 8 और ये होता है 7। हमें डिक्रीजिंग बताना है, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर 8, तो 5f को सबसे पहले रखो, उसके बाद 6p, 6p के बाद, भाई ये दोनों नंबर तो सेम आ रहे हैं, तो अगर नंबर सेम हो तो जिसका प्रिंसिपल नंबर छोटा है उसे छोटा मानो, मतलब 5p बड़ा है और 4d छोटा है, तो 5p और आखिरी में 4d होना चाहिए। तो देखें ये सीक्वेंस हमें कहां मिल रहा है,
ये सीक्वेंस हमें कहां मिल रहा है, 5f6p 5f6p 5d, और ये रहा अपना 4d, मतलब आंसर हमें बी की तरफ जाना होगा। ठीक है, चलिए अब अगर मैं बात कर रहा हूं किसी अगले क्वेश्चन पर, क्या लिखा है बेटा पढ़ो, हमें यहां लिखा हुआ है 3 एंगुलर नोड और 3 टोटल नोड। सबसे पहले याद करना पड़ेगा कि एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला चलता है सीधे सीधे एल की वैल्यू पर। अब अगर वो 3 लिखा है तो बताओ कि एल इक्वल टू 3 किसके लिए होता है, सिर्फ एफ के लिए होता है। एक समझ में आया कि एफ वाला आंसर है, और ये चारों ऑप्शन में से एफ एक ही जगह लिखा है। ठीक, तो मैं डायरेक्ट भी आंसर टिक कर सकता हूं सी पर, मुझे जरूरत ही नहीं आगे पढ़ने की टोटल नोड क्या कहता है। लेकिन अगर और सॉल्व करते हैं तो याद करते हैं कि टोटल नोड का फॉर्मूला होता है n-1, और उसने n-1 इक्वल टू 3 दे रखा है, मतलब प्रिंसिपल नंबर हो गया 4। तो साबित होता है कि 4 और f है, मतलब हमारा आंसर 4f बनना चाहिए। इसलिए समझाया कि अगर मान लो ऑफ f वाले 2-3 ऑप्शन होते तो क्या करते, इसलिए पूरी तरह से बताया इसे। ठीक है, चलिए अब सवाल क्या कहता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स। बहुत बेसिक लेवल पर सवाल है, जरा सोचो किसके बारे में, ल्यूटेशियम LU, एटॉमिक नंबर 71 और एटॉमिक मास 175। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर प्रोटॉन क्वांटिटी के इक्वल होता है हमेशा, तो 71 प्रोटॉन चाहिए। सबसे पहले 71 यहां भी लिखा है, यहां भी लिखा है, तो आंसर ये दोनों तो होने नहीं वाले, छोड़ दो इन्हें। दूसरा, क्योंकि इस पे देखो ल्यूटेशियम पे कोई भी प्लस या माइनस आए नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन भी 71 होंगे। इलेक्ट्रॉन तीसरे सीक्वेंस पर है तो 71 यहां लिखा है, 71 वहां लिखा था, काम का है नहीं। न्यूट्रॉन एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके ढूंढे जाते हैं, इसका मतलब 175 में से 71 सब्ट्रैक्ट करके ढूंढे जाएंगे, जो कि 104 आता है। तो मुझे नहीं लगता ये सवाल किसी भी मेडिकल स्टूडेंट को तंग कर सकता है, बड़ा आराम से समझ में आता है, आंसर इज ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन कंपैरेटिवली 2021 नीट का है, लेकिन आसान कुछ ज्यादा ही है। कैसे, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर, कौन है जिसके इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। चलो देखते हैं, आयरन का एटॉमिक नंबर 26, मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, दोनों के ऊपर प्लस 2 है, तो भाई 26 में से 2 गए 24 और इसमें से गए तो 23, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, चाहिए क्या था, नॉट, तो वो ही तो है जो इनके इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं, मतलब आंसर मुझे यही देना है कि इनके इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं है, है ना। इधर देखते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और 2 इलेक्ट्रॉन आ गए तो 10, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 माइनस आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, हमें तो नॉट ढूंढना था, तो इसलिए आंसर हम बी नहीं देने वाले। ठीक, चलिए इधर, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 प्लस चार्ज की वजह से 10, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 प्लस 2 इसलिए इलेक्ट्रॉन 10, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, मतलब ये भी आंसर नहीं बनेगा, है ना। इधर मैंगनीज पे प्लस 2, एटॉमिक नंबर 25 और उसमें से 2 गए तो बचे 23, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 और प्लस 3 चार्ज से 3 गए तो बचा 23, तो ये सब आपस में मैच कर रहे हैं सिवाय एक के, और वो था अपना आंसर ए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है और वही हमें ढूंढना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ये जो दिख रहा है हमें, पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट फ्रीक्वेंसी, हमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी से मतलब है भाई, बाकी कहानी तो ऑल इंडिया रेडियो को सुनाने दो, हम क्यों सुनाएं। फ्रीक्वेंसी जो है वो है 1368, लेकिन किलो हर्ट्ज में लिखी है, हमें तो हर्ट्ज चाहिए होता है, तो सबसे पहले मैं फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट कर लेता हूं, 1.368 × 10 की पावर। देखो मैंने डेसिमल 3 डिजिट खिसका के यहां लिखा तो पहले तो आ गया 3, फिर किलो हर्ट्ज को कन्वर्ट किया तो 10³ हर्ट्ज बन गया, तो कुल मिलाकर फ्रीक्वेंसी बनी 1.368 × 10⁶ हर्ट्ज। ठीक, फ्रीक्वेंसी आ गई, चाहिए क्या है, चाहिए है वेवलेंथ,
ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का रिलेशन सोचना जरूरी है, फटाफट जवाब मिल जाएगा। तो वेवलेंथ इज इक्वल टू सी बाय लेमडा, सी बाय फ्रीक्वेंसी न्यू। तो अगर ये रिलेशन काम करता है तो ढूंढते हैं सिंपल वे में। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10^8 डिवाइड में फ्रीक्वेंसी 1.368 × 10^6। तो जब इसे सॉल्व करने जाता हूं तो मेरा आंसर देखो, ये 1.3 लगभग 1.5 मान के अगर आप चलते हो तो सीधे सीधे ये लगभग 2 दिखेगा, 2 टाइम्स 3 से 2 टाइम्स, और 10 की पावर दिखाई देती है मुझे 2 की, मतलब लगभग 200 के आसपास का आंसर बनता है अपना। एक्यूरेट तो मैंने सॉल्व नहीं किया, तो ऑलमोस्ट 200 के आसपास का आंसर ये तो नहीं है 21.92, ये लिखा है 219.2 मीटर और ये लिखा है 219.3 मीटर। गॉड, इतना क्लोज आंसर बहुत मुश्किल है, बिना कैलकुलेटर के कोई भी इंसान इसका आंसर इतनी आसानी से नहीं दे सकता, वो होगा भी नहीं, शायद कुछ मिस्टेक रही होगी आंसर। अब मैं बी दूं या सी दूं, दोनों ही मुसीबत में हैं, क्योंकि इतना एक्यूरेट आंसर तो देना बहुत मुश्किल पड़ेगा। मैं कहता हूं कि शायद इसका आंसर बी है, क्योंकि यहां पर डाटा में कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, वट एवर आंसर मुझे लगता है इसका बी होगा, तो चेक करेंगे हम लोग। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है, रेडियस ऑफ, क्योंकि सवाल 2022 का है, रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट, रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट। सबसे पहले मैं दिमाग में लाऊं रेडियस का फॉर्मूला, 0.53 n² / z। अब कोई मुझे कहता है कि रेडियस है मेरे पास कितनी है, वो है ऑफ हीलियम आयन और 105.8, आंसर है पिकोमीटर में। तो मेरे पास रेडियस है 105.8 पिकोमीटर, और ये रेडियस है किसकी, ये रेडियस है 0.53 सेकंड बोहर ऑर्बिट, मतलब एन की जगह पे 2 लिखा तो हो गया 4, और जेड है एटॉमिक नंबर हीलियम आयन का, तो ये हो गया 2, और वो डाटा इतना है। चाहते क्या हो, चाहते हैं रेडियस थर्ड बोहर ऑर्बिट लिथियम प्लस 2। तो जिस रेडियस को हम ढूंढने निकले हैं उसे ले लेते हैं आर, और यहां कर देते हैं डिवाइड सेम फार्मूले से 0.53 × शेल नंबर क्या है, थर्ड, तीसरा बोहर ऑर्बिट, मतलब 3² 9 डिवाइड बाय लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। रेशो में सॉल्व करना ज्यादा आसान होता है हम सबके लिए, तो एक बात समझते हैं। चलो वैसे फार्मूला आर्मस्ट्रांग के लिए होता है, लेकिन क्योंकि रेशो में है तो आर्मस्ट्रांग में तंग नहीं कर रहा। 0.53 गया, 0.53 से 2 से काटा 4 को तो बचा 2, 3 से काट दिया इस 9 को तो बचा 3। तो मेरे सामने डाटा है 105.8 डिवाइडेड बाय आर, और सामने है इधर 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, मतलब 105.8 × 3/2, दैट इज इक्वल टू माय रेडियस, और ये आंसर ऑलमोस्ट 158 के आसपास आना चाहिए। लेकिन रिमेंबर, शुरुआत पिकोमीटर से हुई थी, आंसर भी पिकोमीटर में खत्म होगा। ध्यान से देखो कितनी चालाकी से आंसर दिया है, 158.7 आर्मस्ट्रांग और 158.7 पिकोमीटर। जब शुरू पिकोमीटर से किया तो खत्म भी वहीं होगा, तो आंसर इज ए, इस पर टिक नहीं कर देना। ओके, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट किसके बारे में है और क्या है, हमें ढूंढना है इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत। अब गलत ढूंढने के लिए हमें सारे ऑप्शंस पढ़ने होंगे, वो भी धीरे धीरे से। ऑल 5d ऑर्बिटल डिफरेंट होते हैं साइज में एज कंपेयर टू 4d ऑर्बिटल। हां भाई, जैसे जैसे शेल बड़ी होती जाती है, देखो अगर मैं कह रहा हूं कि डी ऑर्बिटल का शेप होता है डबल डंबल, सपोज करो ये 4d वाला है, तो 5d वाला डबल डंबल ही होता है, लेकिन उसका साइज बड़ा होता है, शेप नहीं बदलता, शेप वही रहता है, साइज बड़ा हो जाता है। तो इसने कहा साइज नहीं, साइज में क्या कहा, डिफरेंट होता है। 5d का साइज 4d के साइज से डिफरेंट है, ये तो सही बोल रहा है, मतलब ए वाला सेंटेंस सही है, अपना आंसर सही नहीं, हमें गलत ढूंढना है। आगे पढ़ते हैं, सारे 5 4d ऑर्बिटल सेम शेप के होते हैं 3d वालों से, शेप तो सेम ही होता है, तो ये तो सही बोल रहा है, शेप सेम होता है, गड़बड़ शेप में नहीं है, साइज में है, तो इसलिए इससे आगे चलते हैं, ये आंसर सही है, छोड़ो। तीसरा, इन एन एटम ऑल 5 3d ऑर्बिटल्स आर इक्वल इन फ्री स्टेट,
अगर फ्री स्टेट है मतलब एटम है और एटम में सारे डी ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं, तो पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी बराबर होती है, बराबर रहती है। इसका अंतर ये भी सही बोल रहा है। आखिरी पढ़ते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड का शेप एक जैसा होता है, बिल्कुल होता है ना, लेकिन डी एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये जो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में डी जेड स्क्वायर का शेप सेम नहीं होता। माना दोनों ऑन द एक्सिस आते हैं लेकिन शेप तो थोड़ा सा फर्क होता है, डी जेड स्क्वायर सबसे हटकर है। तो ये सेंटेंस गया गलत और हमें ढूंढना उसी गलत को था, तो आंसर देना डी वाला बेटा, ठीक है। चलिए सवाल जो दिखाई दे रहा है उसको पूरा समझना होगा। एन एम एक क्वांटम नंबर है जो कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला था एम के साथ। अब सवाल आता है कि किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहा है, एजीमुथल से रिलेशन बना रहा है एजीमुथल क्वांटम नंबर से। पहले मैं ये सोचूं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एजीमुथल क्वांटम नंबर से रिलेशन क्या है, तो वो सीधा साधा रिलेशन है एल इज इक्वल टू एम माइनस वन और डिवाइड बाय टू। अब आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, उसकी वजह है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिलेशन होता है टू एल प्लस वन, टू एल प्लस वन ऑर्बिटल बताने के लिए। अब ऑर्बिटल ये बता रहा है लेकिन जरा सोचो कि इस m को ही इसने nm लिखा है। इस तरह से मैंने क्या किया, उस 1 को लाया इस तरफ, nm माइनस 1 किया, डिवाइड में 2 डाल दिया, तो मेरा आ गया l का वैल्यू। तो ये सेम फार्मूला हमें ढूंढना है इन चार ऑप्शंस में से, और मुझे दिखाई देता है वो यहां कहीं, तो सीधे सीधे इस आंसर पर जा सकता हूं, मेरा आंसर बनेगा सी ऑप्शन, ठीक। चलिए, थैंक यू।